हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और एपिसोड पे कंटेंट मॉन्स्टर्स पे। और हमारी आईपीएल सीरीज में इस एपिसोड पे हम बात करेंगे एक और टीम की जिसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स ने ओवर द इयर्स काफी डिसेंट परफॉर्म किया है, कई बार सेमीफाइनल्स तक आए हैं, कभी कभी सेमीफाइनल्स भी नहीं पहुंचे, लेकिन आखिरी पड़ाव वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। फाइनल में आके उन्होंने अब तक आईपीएल नहीं जीता है। इस बार उनके हेड कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, जो पास्ट में मुंबई इंडियंस को कोच कर चुके हैं और उन्हीं की कोचिंग में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल टाइटल भी जीते हुए हैं। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है दिल्ली कैपिटल्स से, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा उन्हें एक लेजेंड रिकी पॉन्टिंग जैसे उनके इनपुट से। और आशा की जा सकती है कि इस बार कम से कम सेमीफाइनल्स में तो दिल्ली कैपिटल्स आएगी ही। उनकी टीम में इस साल बड़ा अच्छा ब्लेंड है यूथ का, एक्सपीरियंस का, और बहुत ही डायनामिक टॉप ऑर्डर है। तो सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरा स्टार्टिंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या होगा, देखते हैं इस साल का दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल स्क्वाड। तो ये था दिल्ली कैपिटल्स का इस साल का स्क्वाड। अब मैं आपको बताता हूं मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स का स्टार्टिंग 11। इनफैक्ट उनके टॉप फोर प्लेयर्स अपने आप को खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उनका ओपनिंग पेयर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ एक बहुत ही धुआंधार पेयर हो सकता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। दोनों ही बैट्समैन हैं हु आर नॉट अफ्रेड टू प्ले देयर शॉट्स और एक बहुत ही तेज तर्रार ओपनिंग दे सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स को, फॉलोड बाय देयर वेरी डायनामिक कैप्टन श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सक्सेस टेस्ट किया है और उम्मीद की जा सकती है कि ये साल का आईपीएल श्रेयस अय्यर का आईपीएल हो सकता है। उसके बाद नंबर फोर पे अगेन धुआंधार बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अगर आप टीम में खिलाते हैं तो उन्हें ऊपर ही खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, बहुत ही फियरलेस परफॉर्मर है और श्रेयस अय्यर की उनको पूरी बैकिंग है। लास्ट कुछ इंटरनेशनल मैचेस में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने आप को फिर से प्रूव करना चाहेंगे इस साल के आईपीएल में। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद बहुत ही क्लियर हो चुका है कि ऋषभ पंत इज गोइंग टू बी द विकेट कीपिंग ऑप्शन ऑफ द फ्यूचर फॉर इंडिया अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके। बहुत उम्मीदें होंगी उनसे इस आईपीएल में और मुझे लगता है कि इस साल के आईपीएल में वो भी एक प्लेयर होंगे टू वॉच आउट फॉर। नंबर फाइव पे मैं एक प्लेयर को लूंगा जो शायद ज्यादातर लोग ना लें आईपीएल में अपने स्टार्टिंग लेवल में, बट मैं समझता हूं कि इतना धुएंदार टॉप ऑर्डर हो तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इनिंग्स को संभाल सके और इस टॉप ऑर्डर को फेयरलेसली खेलने का चॉइस दे सके, ऑप्शन दे सके, और उस हिसाब से वो बल्लेबाज है अजिंक्य रहाणे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो एक क्विक वन इंटू टू और टू टू थ्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कोरबोर्ड को रोटेट कर सकते हैं और उनके रहते हुए पूरी टीम उनके अराउंड खेल सकती है, दूसरे प्लेयर्स रिस्क ले सकते हैं। नंबर सिक्स पे मैं रखूंगा शिमरन हेटमायर को, जो वेस्ट इंडीज के 2000 बल्लेबाज हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम्स और बहुत ऐड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। ये मेरे पहले ओवरसीज प्लेयर होंगे इस टीम के। इसके बाद होंगे तो दूसरे ओवरसीज प्लेयर हैं इस टीम के मार्कस स्टोइनिस, एक ऑलराउंडर है, हमेशा गेम में बने रहेंगे, एक ऐसे बैट्समैन जो आपको क्विक फायर 30s और 40s लाके दे सकते हैं और बहुत ही हैंडी ऑलराउंडर है। मेरे अगले खिलाड़ी होंगे रविचंद्रन अश्विन। आईपीएल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है उन्होंने ओवर द इयर्स। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है, उसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब गए एंड अब वो दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं। आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पिन बॉलर्स में से एक हैं। टी20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम में काफी समय से उन्होंने टी20 नहीं खेला है। बहुत ईगर होंगे प्रूव करने को कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका योगदान अच्छा हो सकता है और देयरफॉर उम्मीद की जा सकती है कि वो फाइट करेंगे वापस आने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में टी20 में, और इससे बड़ा मंच, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल सकता है। अगले बॉलर होंगे अक्षर पटेल। रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए दुबई, यूएई और शारजा जैसी लो एंड स्लो पिचेस में, जहां बॉल उतनी बैट पे आती नहीं है अच्छी तरीके से, और ये दोनों स्पिन ट्विंस मुझे उम्मीद है काफी एक्सपीरियंस इंटेंसिटी लैंड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइनअप को। मेरे आखिरी दो प्लेयर होंगे किशोर अबाड़ा, जो चौथे ओवरसीज प्लेयर हैं इस टीम के मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 में, और आखिरी बॉलर है ईशांत शर्मा। अगेन मैं मानता हूं ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर को टीम में लेके ना खिलाना, उनके एक्सपीरियंस को व्यर्थ करना होगा। मैं मानता हूं कि ईशांत शर्मा काफी समय से इंडियन लिमिटेड ओवर सेटअप में एक की फिगर नहीं रहे हैं,
टेस्ट मैचेस वो रेगुलरली खेल के जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है एक इंटरव्यू में कि वो चाहते हैं लिमिटेड ओवर्स खेलना, इससे बेहतर उन्हें क्या मौका मिलेगा जब वो दिल्ली कैपिटल्स के अटैक को लीड करेंगे, और वो प्रूफ करना चाहेंगे कि आज भी वो लिमिटेड ओवर सेटअप में एक बहुत बखूबी रोल निभा सकते हैं। तो ये है मेरा स्टार्टिंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मेरे 12th मैन होंगे कीमो पॉल, जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर इनमें से किसी को चोट आ जाए, जैसे मार्कस टॉइनिस को अगर कोई रेस्ट देना चाहे, तो हम कीमो पॉल को ट्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारे 12th मैन। आप हमें बताइए आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स का स्टार्टिंग 11 क्या होना चाहिए। आप मेरी सजेशन से सहमत है या असहमत है, और अगर असहमत है तो आपका स्टार्टिंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू।